रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में मंगलवार को एसएसपी जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों सहित सभी संभागों के प्रभारियों के साथ अपराधों पर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। अपराधों की समीक्षा बैठक के दौरान एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने ठंड के मौसम में बढ़ती चोरी की घटनाओं के मद्देनजर रात्रि गश्त बढ़ाने के लिए निर्देशित करते हुए लंबित पड़ी हुई विवेचनाओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि ठंड के समय में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को रात्रि गश्त बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही चोरी की घटनाओं में चिन्हित चोरों टॉप 10 लिस्ट में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी, सहायक पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह, सीओ बांसगांव नितेश सिंह, सीओ गोला आरआई उमेश कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, ये तो मैंने पिछली बार आप लोगों को बता दिया सभी के लिए एसएसपी और सीओ के लिए कि ये जो हमारे रात में व्यस्त वाला सिस्टम है वो मजबूत करना है। पिछली बार हमने बताया था आप लोगों को अगले एक महीने तक चेक होगा कि आप लोग रात्रि व्यस्त जो है वो बनानी पड़ेगी। कमी होने की वजह से चोरियां बढ़ रही है। पीछे रामगढ़ ताल में मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ियां चोरी हुई जैसे उन्होंने बताया, और रामगढ़ ताल वाले ऐसे लोग आए कोई कोशिश भी करी वहां कुछ मोहल्ले के लोग हैं जिस एरिया में चोरी हो रही थी उसमें जी सर, और सर उसको बताया गया था कि पार्किंग में गाड़ी खड़ा करे और 1 लाख आता है सर उसको लगा ले सर। अगर वहाँ पर मजदूर तो होगी भीड़बंदी तो दूसरे थाना हो जाएगी, इसलिए सभी एसएसपीओं को करना पड़ेगा काम जो रामगढ़ और दरवाजा खटखटा करके गाड़ियों को अंदर करवाए। जो बड़ी गाड़ियां हैं आपके एरिया में जो गश्त कर रही है पार्टी वो उनका दरवाजा खटखटाए ठंड मारे उनको जो है दूसरा होना चाहिए। ये जो रामगढ़ थाना एसएसपी ने किया है वैसा काम होना चाहिए हर जगह हर थाने में होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ हर थाने की मीटिंग का जो है फोटो पेपर में आया। आज गुलरिया ने किया, शाहपुर ने किया, कैंट ने किया, तिवारीपुर ने किया, लाइक दैट या कोतवाली ने किया, और साथ ही नकब देने के लिए भी मीटिंग पे नकब देने को भी आप टारगेट रखिए। साथ ही आप लोगों को आज रात में 10 बजे तक मुझे एडिशनल एसपी अपने अपने एरिया का ड्यूटी चार्ट दे देंगे थाना वाइज कि गश्त का ड्यूटी चार्ट हमारा ये है, गश्त का ड्यूटी चार्ट ये है, इस एरिया को गश्त करवा रहे हैं। आप अगले 15 दिन का बना के दीजिए मुझे 15 डेज का, 15 दिन का आप अगले 15 दिन का आज ही बना के दीजिए कि 15 दिन का हमारा गश्त का ड्यूटी चार्ट ये है थाना वाइज कि इस तरह से हमारा गश्त करवा रहे हैं। और उन्हें चेकिंग अधिकारी कौन है, रात में जोनल चेकिंग और ये रेडियो से है, आए रेडियो आए रेडियो रेडियो से कौन है अटेंड नहीं कर रखा है तो उसको थोड़ा चेंज कर दे, उसमें सीओ ऑफिस को भी इंक्लूड करें, सीओ ट्रैफिक को इंक्लूड कर लो समझे। जोनल चेकिंग में हर दिन में हमारे पास हम दो एरिया दो में बांटते हैं, जोनल चेकिंग वाला दो में बांटते हैं ठीक है, दो 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 सीओ बाहर लाएंगे पर डे, हमारे पास 8 सर्किल है, बाकी 2 अंडर ट्रेनिंग है हमारे पास, एक एएसपी अंडर ट्रेनिंग है, एक सीओ अंडर ट्रेनिंग है ठीक है। इन सबको इंक्लूड करते हुए जनरल चेकिंग में जॉन 2 बनाओ, कितने जॉन बने हैं ठीक बने, उसमें सबका नाम लिखा है कौन अधिकारी कौन है, उसमें सीओ से क्या से मिल रहे हैं आपको, सभी सीओ से आगे एक दिन में कितनी बार बारी आती है सीओ के नाम की। तीन जोन है तो एक 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 ही बात कैसे बारी आ रही है, आदेश मेरे सामने रखना आज वापस ठीक है, इसको कुछ संशोधन बीच में जुड़ते तो करेंगे, और रजिस्टर ये पेश होगा पुलिस ऑफिस में हमेशा मेरे सामने प्रतिदिन, ये कंट्रोल रूम से जहाँ से भी रजिस्टर रहता है पर डे मेरे पास आएगा रजिस्टर देखने के लिए। और ये एसएचओ जो है इनकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने अपने एरिया में
अपने सदस्य रूप में अगले प्रधानमंत्री के लिए हमारे जनपद की गई है, जिसमें सभी एस एच ओज को निर्देश किया गया है कि जो हमारे वांछित अभियुक्त है उनको तत्काल अरेस्ट करें, घटनाएं किसी सूरत में न होने पाए और जो घटनाएं हो रखी है उनको वर्कआउट कर दें, वांछित अभियुक्त उनके अरेस्टिंग करें, इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करें समय से, टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करें और 14(1) गैंगस्टर एक्ट में भी संपत्ति जब्त करें अपराधियों की। कई सारे निर्देश दिए। सर्दियों में हम लोगों ने गश्त और पिकेट्स के बारे में स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं, रात्रि में गश्त हो, रात्रि अधिकारी निकले, रात में 1 बजे से 7 बजे तक गश्त की जाएगी कंटिन्यूसली पिछले अगले कई दिनों तक, ताकि जो है रात में कोई चोरी ना कर पाए। और चोरी के लिए हमने कई जो पुराने चोर हैं उनको चिन्हित किया है, उनका वेरिफिकेशन आज से शुरू हो रहा है। थैंक यू।